अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आज मैं आप लोगों के लिए ब्रेड पुडिंग रेसिपी लेकर आई हूं। फ्रेंड्स, आप लोगों ने कोई भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए शुरू करते हैं। यहां पर मैंने 1.5 ग्लास दूध लिया है, आप कोई भी दूध ले सकते हैं। और 2 पीस ब्रेड स्लाइस लिया है, इसको छोटा टुकड़ा करके मिक्सी जार में डाल देंगे। कच्चा दूध हो या बॉयल वाला कोई भी दूध ले सकते हैं, क्योंकि ऐसी भी इसको पका नहीं है। मैंने ब्रेड को पीस करके डाल दिया है, अब इसमें हम 2 अंडा भी तोड़ के डाल देंगे। अब हम इसमें डालेंगे 8 टेबलस्पून शुगर, 2 या 3 ड्रॉप वेनिला एसेंस। इसको मिक्सी में हम अच्छे से घुमा देंगे 2-3 बार। अगर एक बार में नहीं होता तो इसको 2 पार्ट में करके आप कर सकते हैं। उसके बाद हम इसको छान लेंगे, क्योंकि इसमें ब्रेड का जो छोटा छोटा कण होता है तो उसको हम निकाल देंगे छान के। इसको हम एक तरफ रख लेते हैं। अब हमको करना है, शुगर को कैरामलाइज करना है। तो उससे पहले हम जिस पैन में पुडिंग तैयार करना है उसमें थोड़ा सा बटर लगा के अच्छा से ग्रीस कर देंगे। इसको भी हम एक साइड में रख देते हैं। शुगर कैरामलाइजेशन के लिए मैंने यहाँ पर 4 टेबलस्पून शुगर लिया है। इसको चलाते रहना है कंटिन्यू। गैस को हाई टू मीडियम फ्लेम में रखना है और अच्छी तरह से हम इसको चलाते रहेंगे। जब शुगर इस स्टेज में पहुंच जाएगा तो हम इसमें डालेंगे 1 टेबलस्पून बटर और फिर से कंटिन्यू इसको चलाते रहेंगे। ये ऑलमोस्ट तैयार हो चुका है। अब इसको हम क्या करेंगे, बटर लगा के रखा जो पैन है जिसमें हम पुडिंग बनाने के लिए रेडी करके रखा है उसमें डाल देंगे। अब ये मिक्सर को हम इसके ऊपर डाल देंगे। अब हम इसको पकाएंगे स्टीम में। स्टीम के लिए हमें कढ़ाई लिया है, कढ़ाई में मैंने पानी डाल दिया। उसके ऊपर मैं एक स्टैंड रख दूंगी। रखने के बाद ये जो पैन है उस स्टैंड में रख के हाई फ्लेम में ढक्कन बंद कर देंगे, हाई फ्लेम में थोड़ा देर के लिए, जब तक बॉयल हो जाएगा पानी। उसके बाद हम उसको मीडियम में रख देंगे। अब इसको पकने देते हैं, 40 टू 45 मिनट्स तक का ये पक के तैयार हो जाएगा। अब ये पक चुका है, ये देखिए अच्छी तरह से पक चुका है। तो अभी हम क्या करेंगे, इसको मैंने इसको ठंडा कर दिया था। ठंडा करने के बाद अब मैं इसके ऊपर एक प्लेट रख के इसको पलट दूंगी। अब ये ब्रेड पुडिंग बनके तैयार हो चुका है। आप लोग भी ट्राई करके देखिए, पसंद आए तो सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिए। और नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।